हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टेस्ट में, तो पूरा टेस्ट को एंड तक लगाइएगा। 30 में से कितने सही कर पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं डेली इसी तरीके से आपको ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लेके आता रहूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट करके लेके आता रहूं, तो एक लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। इससे मोटिवेशन मिलता है डेली क्वेश्चन कलेक्ट करने के लिए, और शेयर भी जरूर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हम हेल्प कर सकें शेयर करके। तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने भी फ्रेंड हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जितने भी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में 5-6 सेकंड दिए जाएंगे, उस 5-6 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी की पैदावार होती है। तो बस आपको इतना बताना है कि ऑप्शन ए राइट है, बी या सी या डी कौन सा राइट है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दीजिए। तो बिल्कुल सही है, अगर आप राइट आंसर ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है। तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, भारत की उस एयरलाइंस का नाम बताएं जो 23 जून 2014 को स्टार एयरलाइंस से जुड़ गई है। तो बिल्कुल सही, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एयर इंडियंस। क्वेश्चन नंबर फोर, राष्ट्रीय ध्वज पर धर्मचक्र यानी कि पहिया में खाली स्थान है। तो बिल्कुल सही है, फोर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 RA, जिनको हम 24 तिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सही, पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर सिक्स ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही है, सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, प्रसिद्ध पुस्तक वन लाइफ इज नॉट एनफ का लेखक कौन है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार तो मैंने देखा है जब पेपर एनालिसिस किया है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के नटवर सिंह। क्वेश्चन नंबर एट, अशोक का संबंध किस राजवंश से था। तो बिल्कुल सही, आठवें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य वंश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, खुजराहो के मंदिरों को खालिस्तान ने बनवाया था। तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंदेलों ने। क्वेश्चन नंबर टेन, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन टेन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान इज द राइट आंसर। ठीक है, रजिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। तो 11वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 12, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था, किस सन में छेड़ा गया था, जल्दी से बता दीजिए, सभी को पता होना चाहिए इसका।
तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर टेस्ट पसंद आ रहा है ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो सभी का आंसर आना चाहिए भाई इसका भी। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। सिक्सटीन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सभी का आंसर आना चाहिए भाई इसका भी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। 18वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उधम सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी ने सुना होगा नाम, टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बेनिट कोलमैन एंड कंपनी ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायत के सदस्य द्वारा मनोनीत या निर्वाचित होते हैं? तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी का आंसर आना चाहिए अभी, तो बिल्कुल सही है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस इनमें से किसके बीच चलती है? आंसर देखिए, जो टाइम दे रहा हूं इसमें आंसर आपका सभी का आना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, इनमें से कौन लदुप्रास मिसाइल है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी 1। क्वेश्चन नंबर 24, मशहूर हिंदी उपन्यासकार का नाम बताएं जिन्होंने तमस लिखा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भीषम साहनी। ठीक है भाई, देखिए अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा है और सारी चीज़ें समझ में आती जा रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे, तो बस लाइक चाहिए और कुछ भी नहीं। 25 बताइए, इनमें से किस धातु की पतली पन्नी मिठाइयों की सजावट में इस्तेमाल की जाती है? तो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिमाण में पाए जाने वाला तत्व है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, कृत्रिम बरसात के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन। तो बिल्कुल सही है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 28, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी किस स्टेट से हुई थी, यह आपको बताना है। नीचे चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस भारतीय राज्य में वन का कुल दायरा सबसे कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम मतलब वन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सांभर झील राजस्थान के किस शहर से सबसे नज़दीक है। देखिए सबसे कम का मतलब कुल दायरा कम है इनका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर, ठीक है। तो दोस्तों आज के टेस्ट में थे ये 30 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। आपका स्कोर क्या रहा है जल्दी